जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि का साल 2020 में जनवरी का महीना कैसा जाएगा, मतलब जनवरी महीने का राशिफल। देखिए, जनवरी का जो महीना है वो आपको मिश्रित परिणाम देगा। इस महीने आपके संचार कौशल और संबंधों में विस्तार होगा और आप प्रकृति और जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके 12वें घर में मिथुन राशि में हुआ और मध्य सितंबर के बाद ही आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस दौरान आप भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे और उसमें आप सफल होंगे। सबसे अच्छी बात ये है, लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेक इच्छाओं की पूर्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव 24 जनवरी को आपके सप्तम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये महीना, जनवरी का महीना, आपको आपके जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने का मौका देगा। यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं या किसी की तलाश में हैं तो बृहस्पति आपको इस मामले में खुशी देने का कार्य करेगा। तो वैसे तो 2020 में आपकी विवाह की जो कामना है वो भी पूरी होगी और इस दिशा में यदि आप प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा सा और बढ़ाइए और ईश्वर की कृपा और उनके आशीर्वाद से आप इस वर्ष एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने में सफल होंगे। जनवरी के महीने में कर्क राशि के लोगों की व्यावसायिक साझेदारी को बृहस्पति के प्रभाव से काफी फायदा होगा। हालांकि किसी और के साथ अपने वित्तीय संसाधनों को जोड़ने से पहले आपको काफी होमवर्क करना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें। अभी आप उस कार्य में सफलता की उम्मीद कर सकते हैं यदि आप पूरी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए, कर्क राशि मतलब क्या होता है, भावुक लेकिन संवेदनशील चरित्र, मूडी और गंभीर। अपनी क्षमताओं का आप 100% उपयोग कीजिए, बिल्कुल मूर्खों जैसा व्यवहार नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। अपने सबसे अच्छे प्रयास को आप उस हर काम में लगाएं जो आप कर सकते हैं। महान घटनाएं नक्षत्रों के अनुसार अब घटित होंगे। आपको अपने भाग्य से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जनवरी में। नक्षत्र इस अवधि में धैर्यवान होने में बहुत दृढ़ता से और सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे, इसलिए आप अपने जोड़ीदार के साथ छोटी समस्याओं को सरलता से दूर कर सकते हैं और सद्भाव का मजाक ले सकते हैं। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको आत्मविश्वास है, यही कारण है कि लोग भी आपके कायल हो जाते हैं और आप उन्हें प्रेरित भी करते हो। तो पूरे तन मन धन से अपने काम में आप जुटे रहें। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा जनवरी के महीने में, क्योंकि ये आपका सबसे कमजोर पक्ष रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में छठे घर में कई ग्रह की युति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, तो एक नियमित और अच्छी दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो धन्यवाद पर धन्यवाद। और पूरी वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको जो उपाय है इस साल के और इस महीने में खास करके कि आपको क्या करने चाहिए जिससे कि आपका वक्त और अच्छा हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करें। इसके लिए किसी मिट्टी अथवा लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर लीजिए और उस पर अपनी छाया अर्थात सूरत देकर उसको आप किसी को दान कर दीजिए या मंदिर में आप दे दीजिए। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाइए, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें और छोटे बालकों को गुड़ चना और बूंदी का प्रसाद दें। आपका कल्याण होगा, आपके सारे बनते बनते जो काम हैं वो और अच्छे बनते चले जाएंगे और जो काम आपका बिगड़ जाता है वो काम भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।